श्रद्धालुओं के लिए सितंबर का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर का माह भी तुला राशि वालों के लिए बेहतरीन रहेगा। मध्य माह तक एकादश भाव में सूर्य एवं बुध की युति से बना बुधादित्य योग इस माह भी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता एवं आय के साधनों में वृद्धि कराएगा। उन्नति के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त करवा सकते हैं। दशम भाव में शुक्र का गोचर भी आपके कार्य को पूरा करने में आपको आसानी प्रदान करवाएगा। आप अपने सौम्यता एवं वाणी कुशलता से औरों के दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। कार्यस्थल पर सीनियर अधिकारियों एवं महिला सहकर्मियों के सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें कुछ जॉब के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं एवं जो जातक जॉब बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, परंतु मध्य माह के बाद सूर्य का बारहवें भाव में गोचर मंगल के साथ होगा। ऐसे में सूर्य मंगल तो कई बार अति उत्साह करवा देता है। आप अति उत्साह एवं क्रोध को अपने अंदर ना पनपने दें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। हालांकि इस राशि के जो जातक विदेश में रहते हैं या विदेश संबंधित कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं या फिर मल्टीमीडिया मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की लेकिन फिर भी जरूरत है और फिजूल खर्ची से बचना होगा। अकस्मात कोई धन का खर्च ना करवा दे, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि इस राशि के कुछ जातक धार्मिक यात्रा पर घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सही चले इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। कैसे? अपने जीवन साथी से बात करते समय अपने शब्दों का उचित चयन करें, अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें, जिससे आपके रिश्ते बेहतर रहें। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।